जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली जो मेरे छोटे भाई बहन हैं वो बार बार मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर स्पोर्ट्स वालों का क्या करियर है CAPF पे, कि अगर वो BSF GD से जैसे SSC GD के थ्रू अगर वो BSF CRPF CISF या ITBP किसी भी फोर्स में अगर वो ज्वाइन करते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए उनका कैसा करियर रहेगा, या स्पोर्ट्स खेल सकते हैं नहीं खेल सकते, किस लेवल तक खेल सकते हैं, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा उसी के लिए है कि जिनके पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है उनको क्या बेनिफिट्स है और जिनके पास नहीं है उनको क्या बेनिफिट्स है और वो कैसे खेल सकते हैं। साथ ही बता दूं अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। SSC GD से संबंधित या आर्मी से संबंधित बहुत सारे मैं वीडियो बनाता हूं, स्पेशली SSC GD की ज्वाइनिंग से संबंधित मैंने अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो दोस्तों। और अगर आप कोई मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को मैसेज कर सकते हो दोस्तों, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अब अगर दोस्तों हम बात करें कि जो SSC GD यानी GD के द्वारा सिटी कांस्टेबल के रूप में अगर कोई भर्ती होता है तो उसका स्पोर्ट्स में क्या बेनिफिट्स है या स्पोर्ट्स से उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि मान लो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से अगर आप भर्ती होते हो तब तो आपको पूरा बेनिफिट्स है ही। अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से आपके सर्टिफिकेट जो आपके पास मान लो नेशनल या स्टेट या इंटरनेशनल या डिस्ट्रिक्ट जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट अगर उसको लगाकर आप भर्ती होते हो जिसको स्पोर्ट्स कोटा बोलते हैं तब तो आपको बेनिफिट सही है, क्योंकि आपको फिर गेम ही खेलना है। जिस एज तक आप गेम खेलते रहोगे गेम के लिए एलिजिबल रहोगे तब तक आप गेम खेल सकते हो, उसके बाद में आप डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट में एज ए ड्यूटी के रूप में ज्वाइन कर लोगे दोस्तों। लेकिन यदि आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है कोई भी, लेकिन अगर आप गेम अच्छा खेलते हो या आपके पास में सर्टिफिकेट है लेकिन फिर भी आपने लगाए नहीं थे और आप ऐसे ही नॉर्मली सेलेक्ट होते हो लेकिन आपकी गेम खेलने की इच्छा है या आप अच्छा गेम खेलते हो, कोई भी गेम हो अगर आप अच्छा खेलते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स है, तो दोस्तों बता दूँ ट्रेनिंग टाइम में जैसे गेम खेलने का आपको मौका मिलेगा लेकिन वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, चाहे आप कोई सा भी गेम खेलो। हाँ उस अगर आप अच्छा खेलते हो तो वाह वाह जरूर लूटोगे, लेकिन हाँ उसका स्पेशली कोई बेनिफिट्स नहीं होगा या कहीं आपका स्पोर्ट्स में सिलेक्शन ट्रेनिंग से नहीं होगा। आप अगर आपको कईयों को ये गलतफहमी होती है कि मैं ट्रेनिंग में अगर ये गेम अच्छा खेलता हूँ तो मेरे को ट्रेनिंग टाइम में ही स्पोर्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा या स्पोर्ट्स कोटे में चला जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप स्पोर्ट्स कोटे में तो कभी नहीं जा सकते, लेकिन हाँ अगर आप अच्छा गेम खेलते हो तो जैसे सालाना साल में कोई भी डिपार्टमेंट हो CRPF CISF हर एक डिपार्टमेंट अंदर ही गेम करवाता है दोस्तों। गेम का मतलब कि प्रतियोगिताएँ चलती रहती है, कुश्ती की भी, अपने कबड्डी क्रिकेट सभी से संबंधित, रनिंग फिजिकल से संबंधित या इस प्रकार की बहुत सारे कंपटीशन डिपार्टमेंट के अंदर चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप में कोई काबिलियत है स्पेशली किसी गेम के लिए और आप बहुत ही कमाल का खेलते हो तो फिर आपको मौका मिल जाएगा, जैसे आप जिस बटालियन में जाते हो उस बटालियन से आप उस गेम में नाम अपना डलवा के वहाँ पर आपको खेलने का मौका ज़रूर मिल जाएगा 101%, इसमें कोई शक नहीं। आपको गेम खेलने के लिए मौका मिले अगर आपका वहाँ प्रदर्शन मान लो शानदार रहा तो आपको दोबारा और मौका मिलेगा, तो आप दोबारा और ज़्यादा मान लो अच्छा खेले तो फिर आपको उसे अपर लेवल जैसे बटालियन से जो ग्रुप सेंटर होते हैं जहाँ पर 10 बटालियन इकट्ठे उनका गेम होते हैं उनमें, फिर वहाँ से पूरी मतलब सेंटर लेवल की जो टीमें बनती है उसमें आपको खेलने का मौका मिल जाएगा अगर आपका प्रदर्शन अच्छा रहता है सेंटर लेवल से। फिर आप अगर वहाँ पर भी बहुत शानदार मान लो अगर गेम खेलते हो तो फिर डिपार्टमेंट लेवल पर मतलब आप जैसे CRPF की कोई टीम है उसमें अगर आप खेल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका मतलब गेम बिल्कुल वन क्लास होना चाहिए तभी। अगर आप चाहते हो कि भाई नॉर्मली गेम खेलते हो तो फिर आपका तो हाँ, लेकिन फिर भी आपको गेम खेलने का मौका बार बार मिलता रहेगा। आप चाहे कोई सा भी गेम खेलो हर एक डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटली गेम का चलता रहता है दोस्तों, तो आपको भी मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा खेलते हो तो मैंने बताया जैसा कि अब यूनिट से सेंटर जो ग्रुप सेंटर होता है उससे ग्रुप सेंटर से फिर अपनी सेंटर की टीमों के साथ खेल सकते हो जहाँ अदर अदर बटालियन कहती है, फिर इंटर डिपार्टमेंट यानी जैसे CISF CRPF के जिनके मैचेस चलते रहते हैं तो उनमें भी आप गेम खेल सकते हो दोस्तों, जो सभी पैरामिलिट्रीज का होता है तो उसमें भी आप खेल सकते हो। हाँ अगर आप वहाँ पर नाम कमाते हो तो आगे भी आपको तरक्की करने का मौका मिल जाता है। और बता दूँ साथ में कई गेम वाले स्टेट या नेशनल लेवल पर भी डिपार्टमेंट की तरफ से खेलते हैं, स्टेट लेवल नहीं नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक भी खेलते हैं। आपको बता दूं ऐसे बहुत सारा केस है जिनमें जो स्पोर्ट्स वाले हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल भी डिपार्टमेंट की तरफ से खेलते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपका अच्छा है गेम तो आप उस पर फोकस कर सकते हो, हाँ आपको ट्रेनिंग के बाद में उसके लिए मौका ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपका नहीं भी मिले तो आप मतलब डिपार्टमेंटली मतलब आप
फॉर्म भर के डीजी के नाम से एप्लीकेशन देके आप भी लिख के भी दे सकते हो कि भाई मैं ये गेम बहुत अच्छा खेलता हूँ, मैंने बहुत सालों तक ये गेम खेले, इसमें मैंने इतना इतना कुछ किया है या ऐसे ऐसे करके मैंने किए, इतनी मेरे में प्रतिभा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को इस गेम खेलने का मौका दिया जाए, तो उस पर भी आपको ज़रूर मौका मिल सकता है दोस्तों। तो अगर आपका गेम अच्छा है तो ज़रूर आप बने रहिए गेम के साथ, अपने ट्रेनिंग के बाद में आपको ज़रूर मौका मिल जाएगा। और भी कोई अगर आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता ज़रूर हूँ, रिप्लाई सभी का नहीं दे पाता हूँ लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ, उस पर वीडियो भी बनाता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।